नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कारगिल की जंग चल रही थी। 17,000 फीट ऊंची दोनों लिंग चोटी पर कब्जा करके पाकिस्तानी घुसपैठिए लगातार भारतीय सैनिकों पर फायरिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि ऊंचाई से गोलीबारी करके वो भारत पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उनके नापाक इरादों को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों लिंग चोटी से पाकिस्तानियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मेजर अजय जसरोटिया और उनकी पलटन को दी गई थी। दुर्गम पहाड़ियां और खराब मौसम की वजह से समय पर मदद की परवाह किए बगैर मेजर अजय ने अवंतीपुर में पाकिस्तानी सेना से एक के बाद एक तीन चौकियां छीनी, लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से भारतीय वायुसेना की मदद समय पर नहीं मिल सकी और दुश्मनों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए। मेजर अजय प्रसाद सिर्फ कारगिल में ही नहीं बल्कि देश के लिए वो कई मोर्चों पर लड़ चुके थे। 1989 में उन्होंने श्रीलंका में भी लिट्टे से लोहा लिया था। लिट्टे के खिलाफ कार्रवाई में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले मेजर अजय प्रसाद को सेना ने 1992 में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। उल्फा उग्रवादियों से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए मेजर प्रसाद की पोस्टिंग मेघालय में की गई। वहां उग्रवादियों से उनकी कई बार मुठभेड़ हो चुकी थी और उग्रवादियों को भारतीय सेना से मात खानी पड़ रही थी। इसे बौखलाकर उग्रवादी संगठनों ने परिवार को निशाना बनाने की धमकी दी, लेकिन इस बहादुर आर्मी अफसर पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने उग्रवादियों से मुठभेड़ जारी रखी। सेना जानती थी कि मेजर प्रसाद उग्रवादियों के निशाने पर हैं, इस वजह से उनकी सुरक्षा पर खास ध्यान रखा जाता था। उनकी जान बचाने के लिए सेना ने उन्हें भेष बदलने का आदेश दे दिया था। 6 फीट लंबे मेजर अजय को सरदार बनना पड़ा। इसके लिए उन्हें अपनी दाढ़ी भी बढ़ानी पड़ी। उग्रवादियों को गुमराह करने के लिए आर्मी उनका रिजर्वेशन ट्रेन से कराती थी और भेष बदलवा कर हेलीकॉप्टर या विमान से भेजती थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।